मोदी जी तो शेर हैं। शेर हैं? कितने बड़े? बहुत बड़े थे, बब्बर शेर। मोदी जो करते हैं दिल से करते हैं। अच्छा। सही करते हैं, सही करते हैं। मोदी भाई हीरो, हीरो हीरो मोदी भाई। फिल्म में हुआ है ना जी। एक होता विलेन, एक होता हीरो, वे सारे विलेन है, मोदी है हीरो। पप्पू जी हैं, राहुल गांधी। हाँ, वो तो बोलते हैं आलू इधर डालो सोना इधर से निकलेगा। पंजाब में ये लोग हाथ तो मार लिए, संभल रहा नहीं है पंजाब। आप मयूर विहार जाओ, स्कूल के ठीक सामने ठेका है, स्कूल के ठीक सामने। जी जी, ज्यादा फर्क नहीं, 10 मीटर का भी फर्क नहीं होगा, 5 मीटर का भी फर्क नहीं होगा, ठेका चल रहा है। दिल्ली को नशेड़ी बनाने का काम बना दिया उसने, बना दिया। शराब घोटाले है नहीं है? हाँ है, शराब घोटाले है ही, ऑब्वियस बात है। जब लॉकडाउन था जी, बाकी फैसिलिटी देते ना, दारू में स्कीम कर दी, स्कीम ये थोड़ा होता कोई। मोदी जी दिल से काम करते हैं, उनका अपना परिवार तो है नहीं, वो देश को परिवार कहते हैं। मनमोहन ने पूछा राहुल गांधी कौन से खेत की मूलियां, आज उनके अंदर हिम्मत आई है कि वो कश्मीर में पैदल चल रहे हैं। अपने समय में चल लेते राहुल गांधी, नहीं चल पाए। धरती में जब पाप हुआ है तेरा अवतार हुआ है, तेरा अवतार है मोदी जी, राम अवतार है मोदी जी। हाँ। सर केजरीवाल कहते हैं कि मोदी जी को मैं ही पछाड़ सकता हूँ, क्या केजरीवाल पछाड़ पाएंगे? औकात से बाहर हो रहे हैं केजरीवाल। और क्या, केजरीवाल को हटा दिया जाए और क्या, फ्री बिना मतलब जुमलेबाजी है। केजरीवाल तो बस शुरू में उम्मीदें बहुत थी, बट उम्मीदों पे खरा नहीं उतरा। दिल्ली में शराब का उत्पादन बड़ा है? बड़ा है जी, बिल्कुल बड़ा है। जहाँ एक तो वहाँ 3 हो रहे हैं, 3 थे तो वहाँ 6 हो रहे हैं। आम आदमी नहीं है वो, जो गाड़ी पे मैं घूमूंगा नहीं गाड़ी में, गाड़ी आज उसके लिए गाड़ी भी है, बंगला भी है, सब कुछ है, कहाँ वो आम आदमी। मोदी जी शेर है, गीदड़। ये लोग गीदड़, यू है गीदड़। कौन कौन गीदड़ बताओ? ये सारे हैं, केजरीवाल होगा, राहुल गांधी होगी, ममता भमता जो भी है। मोदी है तो मुमकिन है सब कुछ। राहुल कैसे लगते हैं? राहुल सर नहीं, बिल्कुल भी बढ़िया नहीं लगते सर। पप्पू लगते हैं क्या? हाँ जी सर, पप्पू लगते। हाँ जी। केजरीवाल? केजरीवाल भी वैसे ही है सर, रहते ही हैं। हाँ जी। लालू यादव, नीतीश कुमार, राहुल गांधी, सब चोर है भाई साहब, सब चोर एक ही साथ हुए। अच्छा। जब कोई बढ़िया आदमी को मतलब हराना हो ना, तो सारे चोर इकट्ठा हो जाएंगे। भारत का प्रधानमंत्री इंटेलेक्चुअल है, समझदार है, अच्छी बातें करता, अच्छी बात समझाता है। राहुल गांधी जी का बस दिक्कत ये है कि वो अभी इतने मैच्योर नहीं है कि वो पॉलिटिशियन बने। केजरीवाल तो भाई, केजरीवाल तो बिल्कुल पागल आदमी है, चोर है क्या? बहुत चोर, मैं कह रहा हूँ महाचोर है केजरीवाल तो। मोदी बढ़िया है भैया, नहीं शेर है क्या? सवा शेर यार, बिल्कुल। और क्या, 56 इंच का सीना है भाई साहब। मोदी जी बहुत ही अच्छे इंसान, देश के लिए उत्तम इंसान। राहुल गांधी को सब पप्पू ही बोलते हैं, पप्पू ही बोलते हैं। आपको कैसे लगते हैं? पप्पू लगते हैं, पप्पू लगते हैं जी। हिंदू ही ना भाई, अंग्रेज है राहुल गांधी, राहुल गांधी अंग्रेज है। अच्छा, हिंदू होता तो हिंदू के बारे में बोलता है कुछ, वहाँ पहुँच जाओ, वहाँ पगड़ी पहन के वहाँ मजार फजार पता ना कहाँ पहुँच जाओ। कुछ तो बात होगी ना, तभी लोग मोदी के साथ हैं। भैया 2024 में यही है, तय भाजपा और जय भाजपा। जय भाजपा। हाँ जी, मतलब मोदी जी से इतनी मोहब्बत है बहुत। नमस्कार साथियों, एक बार फिर से स्वागत है जनता के बीच में। आज लाजपत नगर की इस मार्केट में मैं मौजूद हूँ। बात करूंगा विधानसभा चुनावों में चला है मोदी मैजिक, यानी कि विधानसभा चुनावों में कई राज्यों में आई मोदी सरकार। वहीं केजरीवाल जी की समस्याएं बढ़ रही हैं, दिल्ली में मैं मौजूद हूं, गठबंधन के साथ राहुल गांधी के साथ टीम बना रखी है। राहुल गांधी तो बेकार है, बेकार है। तो केजरीवाल ने टीम बना ली राहुल गांधी के साथ, वो तो फिर भी जाएंगे साथ में, घुन के साथ गेहूं भी जाएगा। अच्छा, राहुल गांधी के साथ। अच्छा, मोदी जी शेर है कि सवा शेर है? मोदी जी तो शेर हैं। शेर हैं? कितने बड़े? बहुत बड़े थे, बब्बर शेर। अच्छा, आपको पता है विधानसभा चुनाव में छत्तीसगढ़ में बीजेपी की सरकार बन गई, राजस्थान में, राजस्थान मध्य प्रदेश में बन गई। कहते हैं हमारे प्रधानमंत्री फेकू हैं, केजरीवाल जी का दावा है। नहीं, फेकू कहाँ है, जो बोलते करते हैं वो। क्या मोदी जी की टक्कर ले पाएंगे केजरीवाल? नहीं जी। अच्छा, कैसे लगते हैं मोदी जी? मोदी जी बहुत अच्छे लगते हैं। अच्छा, कितने अच्छे लगते हैं? बहुत ही अच्छे, तो अच्छे का इसका जवाब ही नहीं है जी। अच्छा, फिर क्या लगता है, ये राहुल गांधी और केजरीवाल एक हो गए और अभी विधानसभा चुनावों में बीजेपी की सरकार बन गई, जहां का कल रिजल्ट आया था जानते होंगे आप। हाँ जी, हाँ जी। क्या लगता है राहुल गांधी और केजरीवाल अब जेल के भीतर जा रहे हैं, चला पाएंगे अब सरकार? नहीं, कभी नहीं चला पाएंगे। मोदी जी के सामने तो कभी टक्कर दे ही नहीं पाएंगे केजरीवाल। हाँ जी, हाँ जी। नहीं, कहते दिल्ली के राजा केजरीवाल है, वो कहने से क्या होता है जी। हाँ। कहने से कथनी और करनी में अंतर होता है जी, दोनों में डिफेंड होता है जी। जी, इधर राहुल गांधी को तो पप्पू नाम दे दिया गया, अब केजरीवाल जुड़ गए तो क्या केजरीवाल भी पप्पू हो गए क्या? अब वो पप्पू दे नाम किसी का, वो बदनाम करने से फायदा तो नहीं है किसी को, किसी तरह का बदनाम नहीं किया जा सकता। पर एक्चुअली ये है कि जो मोदी जी कर रहे हैं वैसे करना किसी के लिए, केजरीवाल भी कहते तो करो ना, कब करोगे? केजरीवाल और राहुल गांधी मिलकर मोदी जी को पनौती बता रहे थे, अब कौन पनौती हो गया बताइए सर। नहीं, मोदी जी को तो पनौती में सरासर गलत है ये जी। मोदी जी के सामने, मोदी जी जो है हमारा इंडिया ही नहीं, अदर कंट्री के लिए भी भारी पड़ रहे हैं जी सर।
तो इस तरीके से भारी पड़ रहे हैं जी। एक्चुअली किसी हर तरीके से देखिए हमारा अर्थव्यवस्था कितना बदल गया है अब। हाँ। पहले के अपेक्षा भले ही महंगाई बढ़ रही है इससे मायने नहीं रखता, लेकिन हमारा अर्थव्यवस्था जो है एकदम लाइन पे आ गया है, सारा व्यवस्था सही हमारा चल रहा है। दावा किया जा रहा है कि मोदी जी, यानी कि कहा जा रहा है डबल इंजन की सरकार जो मोदी सरकार है, क्या विदेश नीति में फायदा हो रहा है? हाँ जी बिल्कुल फायदा हो रहा है जी। फायदा ना होता तो अभी सामने देख रहे हैं जी। अभी कतर का बात लीजिए, कतर का क्या हाल था और क्या किए, कैसे करारा जवाब दिए इन्होंने जी। भाई साहब भैया ये बात चल रही है, अभी प्रधानमंत्री का चुनाव नजदीक है, विधानसभा चुनावों में तो बीजेपी ने दाव खेल दिया, यानी मोदी मैजिक चल गया, लगता है 24 में मोदी मैजिक चलेगा फुल परसेंट 100% एकदम। अच्छा ऐसा क्यों चलेगा, मोदी जी से क्या लगता है क्या काम अच्छे लगे? मोदी जी जो भी काम किया सबसे बढ़िया किया है। कुछ काम के बारे में बताइए, जैसे 370 धारा हटाया उन्होंने, जैसे क्या बोले राम मंदिर का, हाँ राम मंदिर भी है, जो भी काम कहते हैं वो करके दिखाते हैं। और ये राहुल गांधी क्या करते हैं? तो पप्पू जी हैं राहुल गांधी। हाँ वो तो बोलते हैं आलू इधर डालो सोना इधर से निकलेगा बन के। केजरीवाल जी भी इनके साथ मिलकर टीम बना ली है भाई, शराब घोटाले में केजरीवाल फंस गए हैं। दावा किया गया विजय गोयल जो कि बीजेपी के एक बड़े मंत्री हैं, एक वरिष्ठ मंत्री हैं, राजीव चौक पर दिल्ली की जनता से राय ली गई क्या केजरीवाल को सरकार चलानी चाहिए, तो दिल्ली की जनता ने कहा नहीं यहाँ भी मोदी सरकार को ले आओ, क्या सही बात है? एकदम 100% सही है, केजरीवाल को हटा दिया जाए और क्या, फ्री बिना मतलब जुमलेबाजी है जी। फ्री किसको मिलता है? कुछ नहीं मिल रहा, फ्री नहीं मिलता नहीं जी। वो तो कहते हैं मैं तो फ्री की रही, बढ़िया बात है। मकान में रहते साला 10 रुपए बिजली बिल देना पड़ता यूनिट। अच्छा केजरीवाल के राज में और क्या, कहीं नहीं जा रहा फ्री है ही नहीं कुछ भी जी। पड़ रहा है हमें तो फिर दिल्ली में मोदी सरकार होनी चाहिए 100% बीजेपी की सरकार बननी चाहिए यहाँ पर भी। हाँ जी छत्तीसगढ़ में बना दिए, मध्य प्रदेश में, राजस्थान में बनेंगी बीजेपी, यहाँ भी बनना चाहिए दिल्ली में भी। हाँ जी हाँ जी। फिर क्या लगता है क्या मोदी जी को टक्कर दे पाएंगे जो विपक्षी दल एक हो गए? कहाँ है अब कुछ नहीं है, कोई टक्कर नहीं है, चोर मोसेरे भाई। अच्छा विपक्षी दल वाले और क्या, लालू यादव भी? हाँ सब चोर हैं, हम भी बिहार से हैं, बिहार को डुबा दिया उन्होंने। तो नीतीश जी बिहार में क्या कर रहे हैं? नीतीश जी वही बस गांजा फूक रहे हैं, बोल रहे हैं और क्या बोल रहे हैं। अभी क्या बोला उन्होंने, डालते रहो बाहर निकाल दो। अच्छा। बोलने वाली बात है, ऐसी बात है, अच्छी बात है, बोलने वाली बात है नीतीश जी। हाँ ये तो माँ चित वाली बात है, गांजा पीना है और बोल रहा है। मोहम्मद दानिश। दानिश क्या किस चीज का व्यापार करते हैं? इसका कोर्ट्स का करते हैं सर। व्यापार में फायदा हो रहा है नुकसान हो रहा है? फायदा हो रहा है, कोई मसला नहीं। अभी विधानसभा चुनावों में मोदी जी का डंका बज गया, छत्तीसगढ़ मध्य प्रदेश राजस्थान सरकार बनी, कैसे लगते हैं मोदी जी? बढ़िया इंसान है, कोई बढ़िया इंसान, कोई प्रॉब्लम नहीं। राहुल गांधी टक्कर दे पाएंगे मोदी को? अभी तो नहीं, फिलहाल नहीं दे पाएंगे। नसीब बढ़िया चल रहा है मोदी जी का। अभी दिल्ली की सड़क पे हम खड़े हैं, केजरीवाल जी को जेल में डालने की बात की जा रही है क्योंकि शराब घोटाले में फंस गए। कोई नहीं जी सर, अगर गलत करेगा तो फंसेगा, अगर नहीं किया होगा तो नहीं फंसे पाएगा। आपको लगता है कि दिल्ली में शराब का उत्पादन बड़ा है? बड़ा है जी, बिल्कुल बड़ा है। जहाँ एक तो वहाँ 3 हो रहे हैं, 3 थे तो वहाँ 6 हो रहा है जी, बिल्कुल घोटाला तो है शराब, घोटाला तो है जी शराब। फिर जाना चाहिए जेल में यहाँ के मुख्यमंत्री को? भाई जी गलत करे तो जाना चाहिए, जाना चाहिए। हाँ जी, क्योंकि शराब तो एक तरीके से हराम वाली चीज। हाँ जी गलत है, बिल्कुल गलत चीज है, घर बिगड़ते हैं इससे, लोग बाग परेशान होते हैं। जहाँ एक जगह थी वहाँ 3 हो रहे हैं, हमारे भी पुरानी दिल्ली के अंदर एक की जगह 3 हो गए, पहले एक था वहाँ पे जी, लोग बाग परेशान हो रहे हैं। अच्छा शराब घोटाले की बात है सर, यानी कि केजरीवाल जी को अब जेल में जाने की बात हो रही है, क्या जाना चाहिए शराब घोटाले में? अब ये तो केजरीवाल ही बता सकते हैं जी। आपको क्या लगता है, मोदी जी का दाव खेला गया कई राज्यों में, विधानसभा में रिजल्ट आ गया, क्या मोदी मैजिक 24 में चलेगा? बिल्कुल चलना चाहिए, वो चलना तो चलना चाहिए। क्या खास बात लगती है भारत के प्रधानमंत्री में? पर देश को आगे लेके जा रहे हो जी, बाकी तो हर जगह तो वो नहीं ना देख सकते। राहुल गांधी में है कोई खास बात? उसमें कुछ नहीं है। अरे लोग तो भैया ने तो पप्पू बता दिया, पप्पू ही है वो राहुल गांधी। अब केजरीवाल जी भी दोस्त बन गए राहुल के, आलू डालो तो सब सोना निकलेगा। उन्होंने मशीन एक फैक्ट्री बैठा करा ना, लंदन से लाया है। हाँ। आलू डालो सोना निकलेगा, लंदन से लाया। केजरीवाल राहुल गांधी लालू यादव सब दोस्त हो गए, गठबंधन बना ले मोदी को झुकाने के लिए, कर पाएंगे कुछ मोदी का? नहीं कुछ नहीं कर पाएंगे, जब तक ऊपर वाले का हाथ है उस पर। अच्छा ऊपर वाले का हाथ है, सही है क्या कहा? चोर चोर मुसेरे भाई बता रहे हैं, ये बात तो सही है, चोर चोर मुसेरे भाई है। अब क्या लगता है केजरीवाल ने सही में शराब घोटाला आपके नजरिए से, जैसे भैया ने बताया? अगर है तो बिल्कुल, तभी तो, अगर चीज अगर कहीं आग लगती है तो तभी तो धुआं उठता है। फिर दिल्ली में उत्पादन बड़ा है शराब का आप देखें? अरे उसने तो बेड़ा गरक कर दिया, वो कहते हैं कि स्कूल के सामने शराब की दुकान नहीं होनी चाहिए। अभी अभी मेरे ख्याल पान की सिगरेट की अभी जो है जी, उसके आसपास में कई दुकानें सील करी हैं उन्होंने जी। अब मैं कहता हूँ आप मयूर विहार जाओ जी, स्कूल के ठीक सामने ठेका है, स्कूल के ठीक सामने जी जी, ज़्यादा फर्क नहीं, 10 मीटर का भी फर्क नहीं होगा, 5 मीटर का भी फर्क नहीं होगा, ठेका चल रहा है। दिल्ली को नशेड़ी बनाने का काम बना दिया उसने, बना दिया। आनी चाहिए जेल में, केजरीवाल जा रहे हैं, राजीव चौक पे एक अभियान चालू करा गया,
सिग्नेचर वाला विजय गोयल जी द्वारा बीजेपी के वरिष्ठ सिग्नेचर वाला। दिल्ली के लोगों ने कहा केजरीवाल जी टाटा बाय बाय और मोदी जी को लेकर आ जाओ। वो आएंगे आएंगे, अब देखो मोदी जी दिल्ली में मोदी सरकार होनी चाहिए, होनी चाहिए बिल्कुल, सरकार तो बिल्कुल होनी चाहिए। केजरीवाल जी टाटा बाय बाय, उन्होंने कुछ नहीं किया सिवाय बेईमानी के, वो दिखाते कुछ और है करते कुछ और है। कहते थे मैं तो आम आदमी हूँ, आम आदमी नहीं है वो, जो गाड़ी पे मैं घूमूंगा नहीं गाड़ी में, गाड़ी आज उसके लिए गाड़ी भी है बंगला भी है सब कुछ है, कहाँ वो आम आदमी, आम आदमी के लिए सब चुनाव वादे। मेरे ऊपर एक भी घोटाला हो गया, वादे चुनाव वादे होते हैं, चुनाव आने के बाद सब बदल जाते हैं, अच्छे अच्छे बदल जाते हैं। वो क्या धारा 370 मुद्दा बढ़िया था, ये तो बढ़िया है, ये बिल्कुल देश को फायदा हुआ, इससे बहुत फायदा हुआ देश को। आज पाकिस्तान वाले कहते हैं ना कि उसके जैसा कोई नहीं, वही कर सका और कोई कर नहीं सका, 70 सालों में नहीं कर सका जो उसने कर दिया, वो इसने तो किया। पंडितों के अधिकार की बात है सब चीज के लिए। आपका क्या नाम होगा सर, क्या नाम होगा आपका? मेरा अनिल कपूर। ये राम मंदिर पे भी सवाल उठाता है विपक्ष, बारम्बार कहता है कि राम मंदिर खाने को थोड़ी देगा, राम मंदिर ही तो खाने को देगा और देगा कौन जी, बनना चाहिए था फिर, बन रहा है और बनेगा। 22 जनवरी को उद्घाटन में जा रहे हैं फिर, जा पाए या ना जा पाए लेकिन हाँ मन तो है ही। बताइए सर कैसे लगते हैं केजरीवाल? पूरा ही केजरीवाल डके थे क्या? हाँ क्या लूट लिया बताओ है? देश को लूट लिया। वो लड़कियों को लूटता फिरता है और क्या करेगा। केजरीवाल मोदी कैसे लगते हैं फिर? मोदी तो फिर भी सही है, बढ़िया है ना मोदी? हाँ जी भैया, ये अभियान जारी किया गया यानी कि केजरीवाल वर्सेस मोदी, क्या लगता है केजरीवाल मोदी को टक्कर दे पाएंगे? नहीं, मोदी जी कहाँ टक्कर दे पाएंगे केजरीवाल, नहीं दे पाएंगे। नहीं। कैसे लगते हैं फिर मोदी जी? मोदी जी बहुत अच्छे हैं। क्या काम अच्छे लगे मोदी? हर चीज हमें अच्छा लग रहा है जी, हर चीज अच्छी लग रही है। राहुल गांधी के बारे में कह रहा है, उसके बारे में हमें नहीं पता, कह रहे हैं पप्पू हैं राहुल, जो भी रहे लेकिन हमारे नजर में जो है मोदी बहुत अच्छा है। सर क्या नाम होगा आपका? मदन कुमार यादव। यादव जी दिल्ली के रहने वाले हैं? नहीं, हम बिहार के रहने वाले। बिहार के रहने वाले यानी नीतीश जी के यहाँ। कैसे लगते हैं नीतीश जी? नीतीश जी तो अच्छा, अब सदन में खड़े होकर करते हैं, अगला पिछले की बात कर रहे थे, अगले वाले में भी मोदी जी बिहार में भी आएंगे, बिहार में भी आएंगे। मोदी जी बहुत अच्छे, कैसे लगते हैं मोदी? हर काम से अच्छे लगते हैं हमें। क्या काम अच्छे लगे? सारे काम बढ़िया है, वो तो कौन सा काम गलत किया उन्होंने? नहीं, कुछ लोग कहते हैं कि विदेश नीति बढ़िया होगी, वो तो ठीक है, विदेश नीति है बढ़िया, अच्छी हो गई मोदी के आने से। अरे सब कुछ अच्छा हो गया भाई, भारत का डंका बज रहा है विदेशों में, हर जगह बज रहा है जी, पहले तो कोई पूछता नहीं था, अब तो हर जगह मोदी मोदी हो रही है। अच्छा जी, और राहुल गांधी कैसे हैं फिर? हम राहुल गांधी तो अपनी जगह पे, वो तो सभी जानते कैसे, हम क्या जानते, सभी जानते हैं। ज्यादा बता रहे थे बीच राहुल तो पप्पू ना समझ है, वो तो जो कह रहे हैं वो अपनी जगह सही कह रहे हैं, सही कह रहे हैं। हम किसी को गलत नहीं कमेंट करेंगे। नहीं, अभी केजरीवाल जी का मसला आया, यानी कि केजरीवाल शराब घोटाले में पकड़े गए, लगता है अगर जेल में जाएंगे सरकार चला पाएंगे फिर? फिर कौन सरकार चलेगी जब जेल में चले जाएंगे, फिर कौन सरकार चला? मुहिम चला रहे, अभियान चला रहे, कह रहे दिल्ली के लोगों से पूछो कि केजरीवाल बढ़िया या मोदी बढ़िया। मोदी जी केंद्र में बैठे हैं तो वो तो बढ़िया है ही है, बढ़िया है, ये तो सबके नीचे है। विजय गोयल राजीव चौक पर अभियान चलाते हैं कि क्या केजरीवाल को जेल में जाना चाहिए, दिल्ली के लोगों ने कहा टाटा केजरीवाल मोदी जी को ले आओ, लगता है मोदी जी आने चाहिए? देखो अगर कोई गलत काम कर रहा है तो वो जाना चाहिए, जाना चाहिए, बिल्कुल जाना चाहिए। आप तो बड़े बुजुर्ग है, क्या लगता है युवाओं में नशों का उत्पादन बढ़ा है दिल्ली में? बहुत कुछ बड़ा है, बहुत कुछ बड़ा है। भैया को जरूर नॉलेज होगा क्योंकि फोन चला रहे हैं, न्यूज देखते हैं, महाकाल वाला बैंड पहना हुआ है। नमस्कार सर, मोदी जी के बारे में कह रहे हैं? मोदी तो बहुत बड़े आदमी है। कितने बड़े आदमी है सर बताइए, उन्होंने देश के लिए क्या क्या नहीं किया है? आपने क्या बदलाव देखा? हमने बहुत बदलाव देखा, कैसे बैंक में बदलाव हुआ, हर चीज में मिल रहा है, हर चीज में बदलाव मिल रहा है, शिक्षा में बदलाव है, बहुत बदलाव है। आजकल तो लोग कहते हैं कि मोदी जी के पांव छू रहे हैं विदेश वाले, और क्या, क्यों नहीं छूएंगे भाई, मोदी यहाँ भी जाता है, अकेले जाता है, पहले देख लो अब देख लो जी, और क्या बदलाव है, मतलब बहुत। राहुल गांधी के बारे में कह रहा है? राहुल गांधी तो कुछ नहीं है, कुछ नहीं है। नहीं, लोग कहते हैं पप्पू है राहुल, पप्पू तो वही सबको जानते हैं। गांधी और क्या सर, केजरीवाल कहते हैं कि मोदी जी को मैं ही पछाड़ सकता हूँ, क्या केजरीवाल पछाड़ पाएंगे? औकात से बाहर हो रहे हैं केजरीवाल, और क्या, शराब घोटाले में पकड़े गए केजरीवाल, इतना मुझे नॉलेज नहीं सर। सर क्या लगता है लेकिन मोदी सरकार, केजरीवाल ने वो आरोप लगा दिया कि दिल्ली के लोगों से पूछो कि अगर मोदी और केजरीवाल के बीच में चुनेंगे तो केजरीवाल को चुनेंगे, आप किसको चुनोगे? हम तो मोदी को चुनेंगे, मोदी को चुनेंगे। राजीव चौक पर भी दिल्ली के लोगों ने कह दिया टाटा बाय बाय केजरीवाल, तो मोदी आने चाहिए दिल्ली में भी? नहीं, मोदी तो आएगा दिल्ली में, देखो दिल्ली में मोदी आने 2 साल बाद आएगा, लेकिन दिल्ली में मोदी आना चाहिए, जरूर भगवा फैलेगा दिल्ली में, समझ रहे हो? भगवा लहराएगा जल्दी, जरूर योगी मोदी जल्दी, मोदी राहुल गांधी या फिर अब केजरीवाल एक हो गए, राहुल गांधी केजरीवाल एक हो गए, नीतीश कुमार अकेला ही काफी सर। अच्छा, अकेला ही काफी, अकेले शेर है क्या मोदी? और क्या, ये सब कौन है फिर? मोदी शेर है तो मोदी वैसे वैसे ही है, क्या गीता बस लगे? और क्या। अच्छा हाँ, चले कोई बात नहीं। सर क्या लगता है आपको मोदी जी के, भारत के प्रधानमंत्री मोदी जी के बारे में?
वही बनेंगे अगली बार पक्का है? वही बनेंगे बिल्कुल। केजरीवाल राहुल गांधी कहाँ जाएंगे? नहीं ये नहीं आएंगे जी। अच्छा कैसे लगते हैं राहुल गांधी सर? नहीं सही नहीं लगता जी। सही नहीं लगते भैया? पीछे कह रहे थे पप्पू है ना समझ है। हम ऐसे ऐसे नहीं कहेंगे हम, लेकिन वो ऐसे प्राइम प्रधानमंत्री ठीक नहीं है। बचकाने हैं क्या थोड़े? बचकाने भी नहीं कहेंगे, लेकिन वो करते कुछ करते नहीं है, ज्यादातर मोदी जी करते हैं, तो हम तो मोदी को सपोर्ट करते हैं। कार्यकाल में मोदी कार्यकाल में क्या सहूलियत मिली बताइए? सहूलियत बहुत ज्यादा मिली है, जैसे कि देखो जी रोड बोर्ड अच्छी, इंफ्रास्ट्रक्चर अच्छा हो गया है जी। और राम मंदिर बन गया है। अच्छा। और जैसे कि कोई भी कंट्री होती है, बाकी कंट्रीज हैं जी। वो मतलब बेफालतू में बंगे नहीं लेती हैं, मतलब इज्जत है भारत की अब। हाँ हाँ वो हुई। कुछ लोग तो कहते हैं कि मोदी जी के पांव छू रहे हैं दूसरे राष्ट्रपति। हाँ, तो इज्जत है ना, वही तो कह रहा हूँ, फर्क पड़ा ना। अभी क्या लगता है केजरीवाल जी ने मुहिम चलाई शराब घोटाले में? क्या नाम होगा सर आपका? रोहित नाम है। रोहित भाई केजरीवाल ने मुहिम चलाई क्योंकि शराब घोटाले में फंस गए केजरीवाल। हाँ तो कह रहे हैं कि दिल्ली की जनता से जाकर पूछो मुझमें मोदी में मुझको चुन लेंगे, आप किसको चुनोगे? मोदी जी को। मोदी जी को चुनेंगे। क्या लगता है केजरीवाल अगर जेल के पीछे जाएंगे सरकार चला पाएंगे? नहीं नहीं चला पाएंगे। दिल्ली में आनी चाहिए मोदी सरकार। बिल्कुल। आपको नहीं लगता कि दिल्ली नशेड़ी बन गई है? शराब घोटाले है नहीं है? हाँ है, शराब घोटाले है ही, ऑब्वियस सी बात है। जब लॉकडाउन था, बाकी फैसिलिटी देते ना, दारू में स्कीम कर दी, मनप्रधान स्कीम, ये थोड़ा होता कोई जी। जो चीजें चाहिए जनता को चाहिए वो करो ना। क्या मोदी जी ने बढ़िया संभाला फिर लॉकडाउन में देश को? हाँ सही संभाला है। हाँ वैक्सीन निकाली, वैक्सीन निकाली फ्री में, राशन दिया सबको देते थे जी। और काफी मतलब फैसिलिटी करी है, और भी हमारा ये वाल मेडिसिन गई हमारी जी। और जगह ने लगाई, कंट्रीज ने लगाई है। रोहित आपने राम मंदिर का जिक्र करा, यानी आपने हिंदुत्व का कहीं ना कहीं जिक्र करा। क्या लगता है राहुल गांधी की सरकार यानी कि कांग्रेस सरकार 21 वर्ष नहीं कर पाती वो, अगर आगे 50 साल भी आती नहीं कर पाती वो। 21 वकील कांग्रेस ने राम मंदिर के खिलाफ खड़े करे थे सर, कर रहे थे, लेकिन मैं कह रहा हूँ ना मोदी के खिलाफ कोई नहीं कर सकता, कोई नहीं कर सकता। क्या लगता है राहुल कहीं ना कहीं राम विरोधी है फिर? ऐसे तो कह नहीं सकते किसी बारे में। 21 वकील राम मंदिर के खिलाफ खड़े हो रहे हैं, पॉलिटिक्स चल रहे हो कर रहे हो आपस में। हाँ बाकी मोदी जो करते हैं दिल से करते हैं। अच्छा, सही करते हैं, सही करते हैं। आपको लगता है ये जो राम मंदिर वाली बात है, जैसे कि एक बात करूं मैं भारतीय संस्कृति का, राम जो है सबके है केवल एक समुदाय के नहीं, क्या कांग्रेस फिर राम विरोधी हो गई? नहीं ऐसे किसी पर्टिकुलर को नहीं कह सकते कोई राम विरोधी है या नहीं। वकील लगाना पॉलिटिक्स, पॉलिटिक्स देखिए गंदी चीज है, उसके लिए सत्ता में आने के लिए कोई कुछ भी कर सकता है, मगर ऐसे हम किसी को पिन पॉइंट नहीं कर सकते कि भगवान है। क्या नाम होगा सर आपका? वरुण नाम है मेरा। वरुण क्या लगता है फिर मोदी जी के बारे में? मोदी जी दिल से काम करते हैं, उनका अपना परिवार तो है नहीं, वो देश को परिवार कहते हैं और वाकई समझते भी हैं वो देश को परिवार। हाँ राहुल गांधी के बारे में वरुण क्या राय है? राहुल गांधी जी में को थोड़े इमेच्योर लगते हैं वो जी। थोड़ी सी बचकानी बातें कर जाते हैं बस, बाकी तो। केजरीवाल जो ये सब एक हो गए, गठबंधन बना लिया, यानी कि राहुल केजरीवाल सब एक हो गए, ममता बनर्जी आ गई बंगाल से, बिहार से नीतीश जी आ गए, लगता है मोदी को झुका पाएंगे मिलकर? नहीं नहीं झुका पाएंगे, नहीं झुका पाएंगे। बहुत अच्छे जो उन्होंने कुछ काम कर दिए, कश्मीर में 370 हटाई, राम मंदिर बनाया जी। और भी कुछ मेंशन नहीं करना चाहूँगा, कुछ और भी ऐसे काम की, बताइए जैसे ट्रिपल तलाक वगैरह पे काम किया जी जी, मतलब महिलाओं को सहूलियत देना, महिला सुरक्षा वाली बात, तो उससे काफी लोग फैन हो गए उनके, काफी लोग फैन। कुछ ऐसा समुदाय जो उनको ना स्वच्छ भारत भी किया, स्वच्छ भारत भी किया, काफी चीजें की हैं जी, जिसके लिए हम कहते हैं मोदी जी ही आए जी। बताइए सर। सर हमारे इंडिया में हुआ था G20 सम्मेलन हुआ जी, तो इसमें मोदी फुट क्यों रहा, सिंगल रह गया? एक मिनट क्या कहना चाहते हैं आप, थोड़ा ठीक से बताइए। G20 में जी सिर्फ ओनली फोटो था मोदी जी का जी, बाकी अमित शाह जो कहाँ थे, राजनीति का कहाँ थे, सबके फोटो का क्यों लगा? G20 में प्रधानमंत्री बैठता है। अच्छा बाकी सब क्या करते हैं? अरे सर बाकी सब देशों के साथ में थोड़ी होम मिनिस्टर चीफ मिनिस्टर आए थे, बाकी देशों के भी तो यहाँ फोटो। आपको कैसे लगते हैं मोदी, ये बताइए? अच्छा भी लगते हैं, अच्छे लगते हैं। क्या काम अच्छे लगे मोदी जी के? पहला राम मंदिर, राम मंदिर। दूसरा? दूसरा तुम खड़े हो जी, चमक रहा लाइट, लाइट मतलब सहूलियत है, सुरक्षा है। मोदी जी ने बनाया क्या लाइट? नहीं क्या नाम है सर आपका? धरती में जब पाप हुआ है तेरा अवतार हुआ है, तेरा अवतार है मोदी जी, राम अवतार है मोदी जी। हाँ। नहीं जैसे मैं वरुण आपसे बात कर रहा था भैया ना, मैं सबसे पहले भैया की बात से डिफरेंस करूं, मोदी जी एक बहुत ही अच्छा इंसान है जी। आप उन्हें एक अच्छा इंसान कहें, भक्त कहें, बहुत अच्छा समाज सेवी कहें, एक बहुत
परम मनुष्य कहे अच्छी बात है, मगर भगवान से किसी भी इंसान की तुलना ना करें, ये एक अत्यधिक बड़ा पाप है। मतलब समझ गया मैं आपकी बात वरुण, लेकिन बात है देखो केजरीवाल, हम जब कह रहे हैं, हम कह रहे हैं कि मोदी जी बहुत ही अच्छे इंसान, देश के लिए उत्तम इंसान है, मगर भगवान के साथ किसी की तुलना नहीं करनी, बहुत गलत बात है, बहुत गलत लगता है। केजरीवाल जो है शराब घोटाले में पकड़े गए, कहते हैं कि मुहिम चलाऊंगा कि दिल्ली की जनता से वोट करवाऊंगा वैलेट पेपर पे, कि मैं जेल में जाऊंगा, नहीं क्या जाएंगे जेल फिर? मुझे शराब घोटाले का ज्यादा नॉलेज नहीं, नहीं मैंने आपको उस बारे में मैंने देखी नहीं न्यूज, इसलिए मैं कमेंट नहीं कर पाऊंगा। नहीं लगता है दिल्ली में देखिए अफीम का गांजे का ये उत्पादन नहीं बढ़ाएगा? जी जी, बच्चे तो यूथ तो नशेड़ी होता जा रहा है, नशेड़ी होता जा रहा है जी। चलिए इस पर फिर मतलब सुधार होना चाहिए, बिल्कुल होना चाहिए। तो सदन में भी और वैसे भी बारंबार महिला सुरक्षा की बात करती है मोदी सरकार, लेकिन महिलाओं की क्या राय है? महिलाओं से मैं जानना चाहूंगा क्या सुरक्षा है। अच्छा रुकिए जो जरा एक मिनट, नमस्कार मैम, मैं बात कर रहा था मोदी सरकार के ऊपर, कैसे लगते हैं मोदी? बढ़िया लगते हैं सर, लगते हैं। 24 में मोदी आएंगे फिर नहीं आएंगे? आएंगे, बिल्कुल आएंगे, मोदी ही आना चाहिए, मोदी आने चाहिए। राहुल गांधी के बारे में कह रहे हैं, राहुल गांधी को सब पप्पू ही बोलते हैं, पप्पू ही बोलते हैं, आपको कैसे लगते हैं? मैम पप्पू लगते हैं, पप्पू लगते हैं जी। इधर से केजरीवाल हैं दिल्ली में, राहुल गांधी केजरीवाल ने भाईचारा यानी कि दोस्ती जमा ली, क्या मोदी को झुका पाएंगे? नहीं, मोदी को कोई नहीं झुका सकता, कोई नहीं झुका सकता, क्योंकि अब तो कहते हैं कि विदेशों के राष्ट्रपति मोदी के सामने झुकते हैं। बिल्कुल, विदेश नीति सुधरी नहीं? बिल्कुल बिल्कुल, मोदी अच्छा काम कर रहे हैं। महिला सुरक्षा बड़ी नहीं बड़ी? बड़ी है, काफी बड़ी है, बड़ी है। योगी सरकार ने बहुत अच्छे काम करे हैं, अगर उसी के तरह वो भी योगी मोदी भी करें तो बहुत अच्छा रहेगा। सरकार तो योगी सरकार है, बात तो है तो वही, लेकिन दिल्ली में भी वैसे ही काम करे तो। केजरीवाल है मैम? केजरीवाल तो बस शुरू में उम्मीदें बहुत थी, बट उम्मीदों पे खरा नहीं उतरा। मैं तो आम आदमी हूँ, आम आदमी की बात करूंगा। नहीं, आम आदमी तो कहाँ है, वो आम आदमी होता तो यही खड़ा होता हमारे साथ, नहीं खड़े होते। अभी शराब घोटाले में केजरीवाल को पकड़ लिया है, ईडी सीबीआई ने पकड़ लिया है, और जेल जाने की बात हो रही तो कह रहे थे एक अभियान चलाऊंगा आपके अपनी पार्टी के साथ, कि लोगों से जाकर पूछूंगा कि मोदी बढ़िया कि केजरीवाल बढ़िया, आप किसको चुनेंगे? मोदी को ही चुनेंगे, मोदी को चुनेंगे। जब पूरा विश्व मोदी के साथ है तो हम अपने देश के होके कैसे हट सकते हैं? कुछ तो बात होगी ना, तभी लोग मोदी के साथ हैं। मोदी के साथ है। महिला मोदी के साथ है। चाचा ये नारा सही है क्या, मोदी है तो मुमकिन है? बिल्कुल मुमकिन है। क्या मुमकिन है मोदी जी को होने से? सब कुछ मुमकिन है, सब कुछ मुमकिन है। राहुल गांधी के होने से क्या मुमकिन होगा फिर? उसके बारे में तो कुछ कह ही नहीं सकते। नहीं, मैम ने तो बता दिया पप्पू है राहुल। पप्पू लगते हैं आपको? नहीं, सिर्फ मोदी ही है जो इधर बते। हाँ जी सर, दूसरी सरकार सोई है? हाँ वही है, वही सर, क्योंकि मोदी है तो मुमकिन है सब कुछ। राहुल कैसे लगते हैं? राहुल सर नहीं, बिल्कुल भी बढ़िया नहीं लगते सर। पप्पू लगते हैं क्या? हाँ जी सर, पप्पू लगते। हाँ जी। केजरीवाल? केजरीवाल भी वैसे ही है सर, वैसे ही है। हाँ जी, कहते हैं केजरीवाल ने घोटाले बहुत करे हैं सर, लगता है? बिल्कुल किए हैं केजरीवाल घोटाले। हाँ हाँ किए हैं। शराब घोटाले में पकड़े गए भी केजरीवाल? बिल्कुल सही बात है। तो कह रहे थे कि मैं अभियान चलाऊंगा अपनी पार्टी के साथ, जैसे आप लोग नागरिक हो देश के, तो अगर मोदी और केजरीवाल में से चुना जाएगा किसको चुनोगे? मोदी। मोदी को चुनेंगे? केजरीवाल फिर मोदी के सामने कुछ नहीं सर? नहीं, गठबंधन बन गया, यानी कि आपने सभी नेताओं की बात करी और सरकारों की बात करी। हाँ जी सर, इंडिया। हाँ जी सर, सब मिलके वो कर रहे हैं, तभी मोदी को कुछ नहीं बिगाड़ पा रहे हैं सर, क्योंकि मोदी है तो मुमकिन है सर। क्या मतलब मोदी जी के कौन से काम अच्छे लगे बताओ? सर सारे काम अच्छे लग रहे हैं, आप देख रहे हो रोड हाईवे सारे सब देख रहे हो सर, आप राम मंदिर धारा 300 वो भी सर, वो भी बढ़िया है। बिल्कुल ही नहीं बना पाती सर, वो कभी मुद्दा ही नहीं लेती सर, नहीं ले तो बनाती कैसे वो? अच्छा। हाँ जी, नहीं लोग तो कहते हैं राहुल गांधी तो हिंदू भी नहीं है। अब सही सर, आप देख ही रहे हो, आप नहीं लगते आपको राहुल गांधी? नहीं सर। अरे चाचा आपकी बड़ी तारीफ कर रहे हैं लोग, बात कह रहे हैं चाचा से पूछो, बड़े पुराने आदमी हैं यहाँ के। क्या नाम होगा सर आपका? मेरा नाम सोनू है। सोनू भाई क्या लगता है केजरीवाल जी और मोदी में ज्यादा बढ़िया कौन है? मोदी है भाई साहब। मोदी बढ़े हैं, मोदी क्यों अच्छे लगते हैं बताइए? अच्छे हैं मोदी। क्या काम अच्छे लगे? सारे काम अच्छे हैं। राहुल गांधी कहते हैं फिर? राहुल गांधी तो पप्पू हो गए यार भैया। राहुल गांधी, सब लोग बारंबार राहुल गांधी को पप्पू बता देते हैं, तो राहुल पप्पू है तो मोदी क्या है? मोदी बढ़िया है भैया। नहीं शेर है क्या, सवा शेर? हाँ बिल्कुल, और क्या, 56 इंच का सीना है भाई साहब मोदी जी का। और क्या बात कर रहे हो, और क्या। केजरीवाल तो कहते हैं 2 इंच का भी नहीं है। अरे केजरीवाल खुद ही नहीं है, क्या करेंगे वो। अभी तो शराब घोटाले में केजरीवाल फंस गए, फंसने फंसेंगे है ही भाई साहब। नहीं अभी कह रहे हैं कि दिल्ली में मुहिम चलाऊंगा, मुझे शराब घोटाले में मोदी फंसा रहे हैं, अगर जनता से पूछोगे तो मोदी से पहले केजरीवाल का नाम लेंगे, लेकिन जनता किसका नाम ले रही है बताओ? किस चीज में? मोदी या केजरीवाल?
नहीं, मोदी आना चाहिए, मोदी आने चाहिए। जब केंद्र में सरकार जिसकी होगी वो राज, हर राज्य में होनी चाहिए, होना चाहिए। क्या लगता है दिल्ली में ज्यादा छोटे बच्चे हैं, युवा हैं, तो शराब धांधली की बात होती है। लॉकडाउन में भी शराबों पर सर छूट मिली लेकिन राशन लोगों को नहीं मिल रहा था, क्या लगता है फिर ये चीज दूर होनी चाहिए नहीं होनी चाहिए? होनी चाहिए भाई साहब, एक के साथ एक फ्री मिल रहा था, जो शराब नहीं पीते थे वो भी पीना शुरू कर दिए। जी सर, मैं बताना चाहता हूँ कि इंडिया गठबंधन का एक अलायंस बना है, लालू यादव, नीतीश कुमार, राहुल गांधी। सब चोर है भाई साहब, सब चोर एक ही साथ हुए हैं। अच्छा। जब कोई बढ़िया आदमी को मतलब हराना हो ना तो सारे चोर इकट्ठा हो जाएंगे। तो मैं जब जनता से राय लेता हूँ, दिल्ली की जनता से, तो मुझे बड़ा अच्छा लगता है, लोग बड़े इंटेलेक्चुअल होते हैं। सर क्या नाम होगा आपका? देविंदर शर्मा। शर्मा जी दिल्ली के रहने वाले हैं? दिल्ली के रहने वाले। अच्छा, हाइट बढ़ी है, कितनी हाइट होगी? 6'1". अच्छा, मैं देखिए हाइट देख लीजिए, मैं तो पहुँच भी नहीं पा रहा, माइक को मुझे ऐसे करना पड़ रहा है। अभी क्या लगता है, कहते हैं कि जो मोदी जी हैं वो तो सवा शेर हैं, राहुल गांधी क्या है फिर? ढाई शेर। ढाई शेर, कुछ लोग राहुल को पप्पू बता देते हैं। नहीं, वो तो किसी की बेइज्जती करने वाली बात है, वो किसी को बुरा नहीं बोलना। क्या लगता है सर, अभी आपने देखा होगा विधानसभा चुनावों में मोदी जी का मैजिक चला, क्या 2024 में चलेगा? ऑलमोस्ट वही चलेगा, वही चलेगा। क्या खास बात है भारत के प्रधानमंत्री में? भारत का प्रधानमंत्री इंटेलेक्चुअल है, समझदार है, अच्छी बातें करता है, अच्छी बात समझाता है। तो विदेश नीति में कोई फायदा हुआ? विदेश नीति में बहुत फायदा हो रहा है। क्या फायदे आपने बदलाव देखे? सारे कंट्रीज का अच्छे रिलेशन है, और सब उनकी बात मानते हैं, उनको देखते भी हैं, जब भी कोई प्रॉब्लम आती है तो बाकी कंट्री भी उनको देखते हैं कि वो सपोर्ट करें। जैसे यूक्रेन वॉर में है, इसराइल वॉर में है, तो सारे लोग उसी तरह से। आप जानते हैं मोदी जी को? मोदी जी सरकार तो क्यों नहीं जानेंगे, कैसे लगते हैं तो बता दो। बहुत अच्छा है, बहुत अच्छा है। हाँ, क्या खास बात लगती है? खास बात हर चीज में उसके पास छूट है, राशन पानी आप ये सब देता है वो। जी सर, आप कहाँ के रहने वाले हैं? बिहार का। बिहार के रहने वाले नीतीश जी के यहाँ से, और अभी गठबंधन बन गया, यानी कि केजरीवाल, राहुल गांधी, नीतीश कुमार एक हो गए, क्या मिलकर मोदी को झुका पाएंगे? ये तो हम नहीं बता सकते हैं। क्या लगता है, ये सब भारी पड़ जाएंगे मोदी पर? नहीं नहीं, भारी कैसे पड़ जाएंगे जी, यही तो पूछ रहा हूँ सर मैं। नहीं नहीं पड़ सकता, क्योंकि 2024 का लोकसभा चुनाव नजदीक है। अच्छा, कितना कुछ कर मोदी जी को हटा नहीं सकता कभी। राहुल गांधी के बारे में सर क्या राय है? उसके बारे में हमको कुछ पता नहीं है। जानते नहीं राहुल गांधी? लेकिन जानता हूँ सबको, लेकिन गांधी के लड़के राहुल, सोनिया गांधी को जानता हूँ, उसका लड़का का नाम राहुल गांधी है। मोदी जी कैसे लगते हैं? मोदी भाई बहुत बढ़िया चल रहे हैं टाइम। क्या काम अच्छे लगे मोदी जी? मोदी जी के कोई काम बेकार ना हो भाई। अच्छा जी, और क्या? राहुल गांधी के बारे में कह रहा है? राहुल गांधी पप्पू है भाई। पप्पू है? और क्या? पप्पू क्यों है राहुल गांधी? पप्पू हुए वाके खुद के बात, एक बात बताऊं भाई, राहुल गांधी यो सोच रहा है, राहुल गांधी अपनी वजह से हार है, अपने बयान देता है वो। क्या बयान देते हैं? मान लो आलू निकालेंगे, या फिर बयान दे रहे हो, भाषण दे रहे हो, तो चुप्पी खड़ा रहे घनी देर तक, उसकी वजह से भाजपा बहुत ज्यादा जो है प्रॉफिट हो रहा है, प्रॉफिट हो रहा है उसकी वजह से। क्या नाम होगा सर आपका? हमारा नाम है पुनीत चौहान। चौहान साहब कहाँ के रहने वाले? मैं भाई ग्रेटर नोएडा। ग्रेटर नोएडा से आए हैं, मतलब केजरीवाल के बारे में कह रहे हैं? केजरीवाल तो भाई, केजरीवाल तो बिल्कुल पागल आदमी है, चोर है क्या? बहुत चोर, मैं कह रहा हूँ महाचोर है केजरीवाल तो। राहुल गांधी, केजरीवाल, नीतीश कुमार, लालू यादव, क्या ये लोग मिलकर मोदी जी को झुका पाएंगे? भाई मोदी जी ने झुका पा कोई भी, कोई और अभी कल परसों नतीजे आए, तीन चार विधानसभा, विधानसभा में चार राज्यों में से तीन राज्यों में सरकार बनाई है पूरी बढ़िया तरीका से। जी, तीन राज्यों में बनी है, और अपने उत्तर प्रदेश में से योगी जी तो जाने ना कहीं भी, मतलब मोदी जी हैं, योगी जी, मोदी जी, योगी जी कहीं ना जाने के भाई, कहीं ना जाने के। ये राहुल गांधी हैं, केजरीवाल हैं, उधर से ममता बनर्जी हैं, नहीं कर पाएंगे कुछ भी भैया? कुछ ना कर पा कोई, पहली बात तो योगी जी तो कोई हटाने को है ही ना, और योगी जी बनेंगे प्रधानमंत्री, 2024 में प्रधानमंत्री दोबारा बनेंगे मोदी जी। चौहान साहब ये सब एक क्यों हो रहे हैं फिर बताओ भाई? एक सब हमारे चोर है, चोर चोर चचेरे भाई हो सारे, मुसेरे भाई, चचेरे भाई, एक ही बात है, मुसेरे भाई हो गए। और क्या, अगर ये मुसेरे भाई हो गए, चोर हो गए, मोदी कौन है फिर? मोदी भाई हीरो, हीरो, हीरो मोदी भाई, फिल्म में हुआ है ना, एक होता विलेन, एक होता हीरो, वे सारे विलेन है, मोदी है हीरो। अच्छा, और मोदी कर रहा बढ़िया काम। बात तो बताओ, कहते हैं कि मोदी जी अगर शेर है तो ये लोग कौन है? मोदी जी शेर है, यूं है गीदड़, ये लोग गीदड़, यूं है गीदड़, कौन कौन गीदड़ बताओ? ये सारे केजरीवाल होगा, राहुल गांधी होगी, ममता भमता जो भी है, सब एकजुट हो जाओ भाई, और शेर के पीछे यू झुंड में शिकार करे, शेर अकेले आया है। नहीं, कहते हैं लोग बाग तो राम मंदिर तो मोदी ने बनाया, राम मंदिर मोदी ने बनाया भाई, और कौन ना बनाया, इतने 70 साल से कहां स्टेज करवा रहे हो, मोदी ने करवाया। अच्छा, और नहीं बना भाई साहब, बढ़िया बन रहा हूँ, कुछ दिन में 2024 में शायद उसकी वो है, कृष्ण लल्ला की भी बात हो रही है, कृष्ण लल्ला हम वही हमारे मथुरा में ही है, कृष्ण लल्ला बनेगा दोबारा, जानता हूं भारत का ही हूं, और ये कृष्ण लल्ला की तैयारी हो रही है। क्या राहुल गांधी नहीं है फिर? क्या ये भी तो टीका वीका लगा के घूमते हैं? राहुल गांधी भाई
राहुल गांधी रहे आउट ऑफ एरिया में पूरे, जब जैसे आएंगे चुनाव भाषणबाजी देगा, उसके बाद में भाषणबाजी वो अपने इतने भाषण बेकार देता है, उससे भाजपा ही प्रॉफिट हो जा, मतलब उसकी जो भाषा है ना। चौहान साहब कहते हैं कि राहुल गांधी तो हिंदू है ही नहीं, ऐसा कुछ है क्या? हिंदू ही ना उसका भाई, अंग्रेज है राहुल गांधी, अंग्रेज है। अच्छा, हिंदू होता तो हिंदू के बारे में बोलता वहाँ कुछ आ वहाँ पहुँच जाओ, वहाँ पगड़ी पहन के वहाँ मजार फजार पता नहीं कहाँ पहुँच जाओ। नहीं, मजार में जाने में बुराई थोड़ी, अरे मजार बुराई है भाई, अच्छी बुराई है। हमने मंदिर में क्यों ना आवे, ये इस देश में तो सब रहते हैं ना हिंदू मुसलमान, सब भाई बात ही ना, हिंदू मुसलमान सबका देश है, पर मोदी जी दिखावा ना करे, दिखावा ना करे, वो दिखावा करे। अच्छा दिखावा, गांव में जाकर रोटी खाने लगेगा, फोटो खिंचवाने खा बस, हाँ फोटो भागना कुछ भी, ब्याह शादी को होना रहा, 45 साल उम्र होगी, मतलब मैं 55 साल हो गए। अभी कहते हैं मैं तो युवा नेता हूँ, वो ना युवा नेता, अब हमने युवा नेता था, युवक नहीं जो खड़े युवा था, युवा नेता। अच्छा, और 2024 में क्या नारा है मोदी सरकार के लिए बता दो, क्या नारा दोगे भैया 2024 में? यही है, तय भाजपा और जय भाजपा। जय भाजपा, हाँ जी। मतलब मोदी जी से इतनी मोहब्बत है, बहुत है जी हमें योगी जी से। ये बार बार विपक्ष कहता है कि मोदी जी ने तो युवाओं को लूट लिया, देखो हमें मोदी खाने को ना दे रहो, ना हमें दे रहो केजरीवाल, अब बात बताओ क्या है, बात यू है हिंदुत्व वाले, बस हमें इस बार पसंद है वो भाजपा, अपने बस यही है। राम राम, नहीं नहीं भैया एक बार और बताओ, जैसे आपने राम की बात करी, भगवान राम की, तो नहीं कुछ लोग कहते हैं कि विदेश नीति, यानी कि विदेश अमेरिका लंदन में भी आजकल भारत की तारीफ हो रही है। भाई भारत की तारीफ ऐसा कोई देश ही ना हो जहाँ ना हो रही हो, हर जगह हो रही, और क्या मोदी जी चाहिए और देशों में, अभी कम से कम कितने देश आए यहाँ पे, अभी अपने G20 में, ग्रेटर नोएडा में ही है सारे मोदी जी की वजह से, कितनी रेस्पेक्ट है, कोई पूछे ना मनमोहन, राहुल गांधी को पूछते हैं लोग भाई, मनमोहन ने पूछा राहुल गांधी कौन से खेत की मूली है। अच्छा, फिर भाई ने बता दिया कि ऐलान कर दिया है कि ग्रेटर नोएडा के चौहान साहब ने कि अब की बार दोबारा मोदी सरकार, आपको क्या लगता है भाई की बात ठीक है? भाई की बात ठीक है। अच्छा मोदी जी क्यों आएंगे बताओ? मोदी जी बढ़िया काम कर रहे हैं। राहुल गांधी कहते हैं फिर? राहुल गांधी तो ऐसे हैं बस, अपने जब उनकी वोट की वोटिंग की बारी आती है तो बस उनकी जय जयकार होती है, फिर बाद में वो चुका दुख के चले जाते। आपका क्या नाम होगा सर? सचिन कुमार। सत्येंद्र जी, चौहान साहब ने कहा कि राहुल गांधी पप्पू हैं, आपको भी लगते हैं? हाँ, क्या लगते हैं राहुल गांधी? पप्पू ऐसे ही हैं वो बस, उनकी बस हर जगह जाएंगे, भाफड़ उठ पटांग देते हैं, कोई उनकी बात पे यकीन नहीं करता है, और योगी जी और मोदी जी सबकी जय जयकार हो रही है। केजरीवाल है, केजरीवाल आजकल राजनीतिक गुरु बनने का दावा करते हैं, शराब घोटाले में केजरीवाल जी अंदर जाने वाले हैं, जेल में जानते हैं आप? वो तो जाएंगे क्योंकि उन्होंने इतना जनता को शराब पिला पिला के सबको बर्बाद कर दिया, जो गरीब था उसको भी शराब पिलाई फ्री में केजरीवाल ने। हाँ, क्या क्या शराब घोटाला सच में हुआ फिर दिल्ली में? हुआ ही है, और क्या, पैसा खाया और शराब घोटाला किया। मैं तो आम आदमी हूँ, पैसे मैं खाता ही नहीं हूँ। वो कहते हैं पैसा अगर जनता से नहीं निकालेंगे तो फिर जनता वैसे ही घाटे में चली जाएगी। नहीं सर, ये तो ये भी बता रहे थे कि मोदी जी का 56 इंच का सीना है क्या? वो तो है ही, 56 इंच का सीना है। कैसे लगते हैं मोदी जी के बारे में, क्या डेफिनेशन दोगे? बब्बर शेर है क्या मोदी? मोदी बब्बर शेर है ही, और से रहे हैं वो जी, नेता बढ़िया है जी। ये जो राहुल गांधी केजरीवाल सब एक हो गए, मोदी जी बब्बर शेर है, तो ये लोग क्या है? ये तो गीदड़ है, बाकी वो बस वो सोच रहे जनता आए और बस मैं खा लूं उनको जी, ये सारे लोग। अच्छा आपसे पूछूं, क्या नाम होगा सर आपका? शुभम आनंद। शुभम जी, क्या लगता है 2024 लोकसभा चुनाव नजदीक है, कल विधानसभा के रिजल्ट में मोदी मैजिक चल गया, मोदी है तो मुमकिन है? ऑफ कोर्स सही है, एकदम सही है, क्योंकि मुझे तो ऐसा लगता है कि अभी इधर आइए थोड़ा, 2024 क्या, जब तक मोदी जी जिंदा हैं, अपने पांव पे चल पा रहे हैं, तब तक ही वो उनको रहना चाहिए। अच्छा जी। और वजह है, आपके पास भी वजह है, आप ये मुझसे पूछ रहे हैं, तो जाहिर सी बात है हमारी देश की जो जनता है वो बेवकूफ है नहीं, उनके पास कई वजह है जो उन्होंने इनको चुना है। अच्छा। और आगे भी चुनते रहेंगे। शुभम, राहुल गांधी यानी कि कहते हैं कभी मैं युवा नेता हूं तो कभी किसान का बेटा, क्या राय है राहुल गांधी के बारे में? देखिए, उनके अंदर मैं ऐसा नहीं हूं कि मैं भक्त हूं या फिर मैं काम देख रहा हूं। राहुल गांधी जी का बस दिक्कत ये है कि वो अभी इतने मैच्योर नहीं है कि वो पॉलिटिशियन बने। कुछ लोग तो पप्पू ही बता देते हैं। नहीं, अब चलिए वो जो कुछ लोग कहते हैं मैं उस पर नहीं टिप्पणी करना चाहता, लेकिन बस दिक्कत ये है कि वो मैच्योर नहीं है कि वो एक पॉलिटिशियन बने। हो सकता है आने वाले अगले 15-20 साल में जब वो मोदी जी के अनुभव में सब साथ देंगे, उसे सीखेंगे, तो वो भी एक अच्छे पॉलिटिशियन बन सकते हैं, पर अभी मुझे लगता है मोदी जी राष्ट्र को बना रहे हैं। एक डेटा भी बताता है, सर्वे बताता है कि दिल्ली के टीनेजर्स यानी कि जो युवा अवस्था वाले बच्चे हैं,
शराब में लिप्त है आज की तारीख। जरूर जरूर आप सही कह रहे हैं। देखिए वही बात है ना, पंजाब में ये लोग हाथ तो मार लिए, संभल रहा नहीं है पंजाब। कुछ कुछ राज्य को चाहिए दबंग दबंग नेता और एक्सपीरियंस नेता, वो आप सरकार नहीं है। अगर रही बात कुछ सड़क बनवाने की, स्कूल सही करवाने की, वो कर रहे हैं, लेकिन जहाँ पे चाहिए कि भाई आपको थोड़ा सा अपना एक्सपीरियंस से किसी से लड़ना है, किसी को डील करना है, तो वो नहीं है आप सरकार। मोदी को टक्कर देने लायक है भी नहीं? देखिए अभी तो नहीं है, अभी तो नहीं है। राज्य में भले ही वो छोटे मोटे काम कर ले, पर अगर वो अपने आप को एक्सपैंड करना चाहते हैं तो नहीं है, कहीं नहीं है, बिल्कुल नहीं है। अगर मैं उसकी कविता की भाषा में कहूँ, कविता में क्या होता है, मेटाफर आपने सुना होगा, तो भाई साहब ने मोदी जी को बब्बर शेर बताया, आपको लगते हैं बब्बर शेर है मोदी? तो और उससे बड़ा कोई है तो वो भी है वो जी। बस ये है कि अगर और कोई है तो उनसे छोटे ही हैं, छोटे ही हैं मोदी जी के अलावा। बस बस अभी क्या लगता है, राम मंदिर बना, धारा 370, क्या अन्य कोई सरकार कर पाती? बिल्कुल भी नहीं कर पाती। और आगे आप देखिए, हो सकता है कि अगली बार आप, मैं इंटरव्यू आपको खड़े होकर के पीओके में दूं। अच्छा अच्छा जी, हैंड ऑफ कश्मीर में। और क्या? नहीं सर, एक सवाल और बनता है, जैसे आपने राम की बात अब यहाँ पर छिड़ी है, मतलब भारत के इतिहास की बात होगी, राम मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम, तो क्या लगता है कांग्रेस ने कहीं ना कहीं 21 वकील खड़े करे राम मंदिर के खिलाफ? अब राहुल गांधी टीका माथा टेकते फिर रहे हैं वहाँ, क्या लगता है ये राजनीति है, राहुल को अकल आ गई है? मैं बताता हूँ ना, आज उनके अंदर हिम्मत आई है कि वो कश्मीर में पैदल चल रहे हैं, अपने समय में चल लेते, राहुल गांधी नहीं चल पाए। आज जब कोई किसी चीज पे एक्शन लेता है तो सामने वाला भी उसके समर्थन में आ जाता है कि नहीं मैं ऐसे करूंगा, पहले कर लेते, जब नहीं कर पाए तो बस ठीक है। पीछे लोगों की मांग थी कि मोदी सरकार को लेकर आना ही बेहतर है।